नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है उन सभी NGOs के लिए जो अपने 3 साल का टर्म पूरा कर चुकी हैं। आप 3 साल के टर्म का मतलब है जिन्हें रजिस्टर्ड हुए 3 साल कम्प्लीट हो चुका है और आप वो प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, कुछ वर्क करना चाहते हैं। ये सभी नई या पुरानी NGOs के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम होगी जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वह स्कीम राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा 2021 में अप्रैल में अभी लॉन्च की गई। अब आपको क्या करना है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या प्रोसेस होगा, तो उस सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है और यह किस लिए काम करता है। तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग ही हमारी भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करता है, पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए ही डेडिकेटेड है। NGOs के लिए क्या करता है, गवर्नमेंट स्कीम्स जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट इन एड प्रोग्राम्स लॉन्च करता है। ये कोविड आया है तब से ये वेबिनार्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। वेबिनार क्या होते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, बहुत सरल भाषा में हम लोग समझें तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक सेमिनार करना, ठीक है। यह सारा पूरा इंटरनेट के माध्यम से ही आपको कंडक्ट कराना होता है। अब यहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी NGO 3 साल कंप्लीट कर चुकी है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे और आपकी NGO का नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, तभी आप इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस स्कीम में आपको क्या करना होगा। तो यह स्कीम बहुत ही कह सकते हैं आप सिंपल है। अगर आपकी NGO सिर्फ 3 साल की अभी हुई है और आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और जो NGOs पुरानी हैं जिनको एक्सपीरियंस है कैसे सेमिनार वेमिनार कंडक्ट करते हैं तो उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छा एक मौका होगा। अब इस वेमिनार में मैंने बता चुका हूँ आपको वेमिनार क्या होता है, तो इस वेमिनार में आपको कुछ टॉपिक सेलेक्ट करने होंगे जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन, इस तरीके के आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए मिनिमम 3 आवर्स का आपको एक वेबिनार कंडक्ट कराना होगा जिसमें कम से कम 100 पार्टिसिपेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आपको यह बात एक ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं ही हों। जो ग्रांट होगी वो अप टू 1 लाख रुपीज़ तक की होगी, यानी कि 1 लाख रुपये तक का आपका ये ग्रांट इसमें अवेलेबल होगा। और हम लोग जान लें कि ये जो प्रोग्राम होगा यह सिर्फ एक NGO के लिए ही एलिजिबल है, एक NGO एक वेबिनार ही कंडक्ट करवा सकती है। और ग्रांट इन एड जो आपका सेंक्शन होगा वो 50% अमाउंट एडवांस में रिलीज होगा। इसका देखिए हम लोग प्रोसेस एक समझें तो बहुत सिंपल प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है। फिर सेकंड जो कमेटी होगी वो आपके जो प्रोजेक्ट है उसका स्क्रूटनी करेगी, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी जो आपने नहीं दिए होंगे। और तीसरी चीज़ यह होगी कि वह सबसे बाद थर्ड स्टेप पे वो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करेगी, जो जिसको हम लोग वर्क ऑर्डर भी कहते हैं। उस समय में आपको 50% अमाउंट आपके डायरेक्ट NGO के अकाउंट में डिस्पर्स यानी कि आपके NGO के अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा, यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जब आपको यह लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि सेंक्शन ऑर्डर मिलेगा उसके 30 दिन के अंदर आपको यह वेबिनार कंडक्ट कराना होगा और उसकी फाइनल रिपोर्ट। अब फाइनल रिपोर्ट में आपके जो वेबिनार है उसका आप वीडियो भी दे सकते हैं, फोटोग्राफ्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके नाम पता भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ फाइनल रिपोर्ट में वेबिनार के आपको सबमिट करना होगा डिपार्टमेंट में ताकि आपका जो बाकी का 50% अमाउंट होगा वो आपको मिल सके, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो एलिजिबिलिटी है हमारी वो चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो या आपके पास ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो, यह सभी एलिजिबल हैं। अगर आप 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट्स, आपकी NGO का पैन कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी गवर्निंग बॉडी की लिस्ट, यह आपके पास अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर दूसरी बात हम लोग बात कर लें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो यह होगी कि इसकी लास्ट डेट 31 मई रखी गई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 31 मई से पहले पहले आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट कर दें। और नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा यह चीज़ साफ साफ बताई गई है कि इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल, और जिस प्रोजेक्ट प्रपोजल में कम्प्लीट जानकारी नहीं होगी पूरा उसमें अगर इनकम्प्लीट होगा प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से तो वह विदाउट इंटीमेशन यानी कि बिना आपकी जानकारी के उस प्रोजेक्ट को डिक्लाइन यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा वही डिपेंड करेगा कि आपका प्रोजेक्ट को आगे सेंक्शन होगा या नहीं। तो ध्यान रहे कि जो आपका प्रोजेक्ट हो वह काफ़ी दमदार होना चाहिए और वजनदार हो, तभी आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो सेंक्शन होगा। उसके जो फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो क्लियरली मेंशन हो, ओरिजिनल हो और ग्रास रूट पे वर्क करने लायक हो, तभी आपका यह प्रोजेक्ट सेंक्शन होगा
और उन सभी एनजीओस के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जो स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट फंडिंग के द्वारा। जब भी हम अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट तो सबमिट हो गया, अब क्या करना है। हर किसी के मन में यही क्वेश्चन होता है कि व्हाट टू डू आफ्टर प्रोजेक्ट सबमिशन। तो उसका जवाब हमारी ई कंसल्टेंसी के पास है, वो क्या है चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग आपकी किस तरीके से मदद करेंगे वो जाने। हम लोग आपको फॉलो अप करने का तरीका बताएंगे कि आप कैसे अपने डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट जहां आपने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया है उसको कैसे फॉलो अप कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट से आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, चाहे वो लेटर के माध्यम से हो, चाहे वो कॉल के माध्यम से हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग आपकी मदद करेंगे अगर आपके पास कोई भी डिपार्टमेंट से क्वेरी आती है, शॉर्टकमिंग आती है डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी एनजीओ से, तो वहां पे हम आपकी पूरी मदद की जाएगी। जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व करने का पूरा गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये मेजर बेनिफिट्स होंगे अगर आप हमारी ई कंसल्टेंसी के द्वारा अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट कराते हैं। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। आप अपने एनजीओ के लिए किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट प्रपोजल हमारी कंसल्टेंसी द्वारा सबमिट करवा सकते हैं। आप हमें आखिर क्यों चूज करें? हमारे पास 25 साल से भी ज्यादा अनुभवी एक्सपीरियंस्ड एनजीओ कंसल्टेंट्स हैं, सीए हैं, लॉयर्स हैं, जो आपके लिए ही डेडिकेटेड हैं। आप जैसे ही एनजीओस के लिए वर्क करते हैं, जो हमारी ई कंसल्टेंसी है इसके पास 2500 से भी ज्यादा ऑल ओवर इंडिया एनजीओस जो हैं वो कनेक्ट हो चुकी हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चाहे वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या सेक्शन 8 कंपनी हो। आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल ड्राफ्ट किए जाते हैं, उनको बनाया जाता है, उनको सबमिट किया जाता है और उसके लिए फॉलोअप्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। आपको अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल्स की टेंशन नहीं लेना है कि कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या फॉर्मेट है। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो उस सब के बारे में आपको स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह सभी काम आप ई कंसल्टेंसी करेगी आपके लिए। आप चाहते हैं कि हमारी कंसल्टेंसी द्वारा आपका यह प्रोजेक्ट प्रपोजल अच्छे से बना के सबमिट किया जाए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपका सबसे बेहतर प्रोजेक्ट प्रपोजल बनवा करके सबमिट करवाया जाएगा और उसके रिगार्डिंग फॉलोअप्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।